वेलकम टू छह सिंह की रसोई। आज मैं मूंगफली मसाला की रेसिपी आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए 200 ग्राम मूंगफली ली है, 150 ग्राम बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर एंड सॉल्ट। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम मूंगफली को एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे, देन बेसन, चावल का आटा, हींग, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर, 1 टीस्पून सॉल्ट। इन सबको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे, एक ही साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, बेसन की कोटिंग मूंगफली पे अच्छे से हो गई है। अब उतना ही पानी डालिएगा जिससे इसकी कोटिंग बराबर से हो जाए। अभी इनको हम फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ है। तेल को चेक कर लेते हैं, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, लो टू मीडियम ही करना है। और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम ही गर्म करना है। ऐसे अभी हम इसमें मूंगफली को एक एक करके ऐड कर देंगे। अभी मैंने फ्लेम को लो रखा हुआ है। आपको बहुत ही केयरफुली बनाना है, ऑयल से हाथ टच नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हाइट से भी नहीं डालना है। ये देखिए ऐसे ऑयल में सारे डाल देने हैं। ये मैं फ्लेम को मीडियम कर रही हूँ यहाँ पे, और इनको ऑयल में हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। आपको इसको केयरफुली ऐसे चलाते हुए फ्राई करना है जिससे कि हर तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और खाने में बहुत ही क्रंची और टेस्टी होता है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो इसको बना के लेके जा सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं। इसको आप काफ़ी टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अभी इनको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इनको मैंने लो रखा है। ऐसे ही हम सारे मूंगफली मसाला रेडी कर लेंगे। ये लीजिए हमारे सारे मूंगफली मसाला बनके रेडी हो गए हैं। आपका कुछ क्वेरी रहेगा तो शेयर करिएगा और आप भी इसको बनाने का ट्राई करिएगा। गैस को यहाँ हम बंद कर रहे हैं अभी और इसको ऑयल से हम बाहर निकाल लेंगे। इसको अच्छे से ठंडा करके आप एयर टाइट कंटेनर में महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, खराब नहीं होता है। देखिए कितना क्रंची लग रहा है, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे और क्रंची होता जाएगा। इसको देखिए ऐसे मैं तोड़ ले रही हूँ हाथ से, ये देखिए कितना क्रंची है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।